तो दोस्तों, एक बार फिर हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों देवाधिदेव महादेव की सबसे प्रिय स्थल शमशान है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं महाभारत के अनुशासन पर अध्याय 141 में वर्णित एक वृत्तांत के अनुसार देवी उमा ने भगवान शिव से पूछा, हे भगवान, स्वर्ग लोक में अलग प्रकार के सर्वगुण संपन्न स्थान है, तो उन सबको छोड़ आप शमशान में कैसे रमते हैं? शमशान भूमि तो शवों हड्डियों से भरी रहती है। उस भयानक भूमि में मानव की खोपड़ियां भरे पड़े रहते हैं, गिद्धों और गिद्धड़ों की जमाते जुड़ी रहती है। वहाँ सब और ताएं जला करती है, मांस वनस और रक्त की कोत सी मची रहती है, बिखरी हुई आतों वाली हड्डियों के ढेर पड़े रहते हैं। ऐसे अपवित्र स्थान में आप क्यों रहते हैं? तभी महादेव ने कहा, प्रिय, मैं पवित्र स्थान ढूंढने के लिए सदा सारी पृथ्वी पर दिन रात भटकता रहता हूँ, परंतु शमशान से बढ़कर कोई और पवित्र स्थान मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए संपूर्ण निवास स्थानों में शमशान में ही मेरा हृदय अधिक रमता है। यह शमशान भूमि बरगदों की डालियों से आच्छादित और मुर्दों के शरीर से टूटकर गिरी हुई पुष्प मालाओं के साथ विभूषित होती है। प्रिय उमा, यह मेरे भूतगण शमशान में रमते हैं। भूतगणों के बिन मैं कहीं भी नहीं रह सकता। ये शमशान का निवासी मैंने अपने लिए पवित्र और स्वर्गीय माना है। यह परम पुण्य स्थली है। पवित्र वस्तु की कामना रखने वाले उपासक इसी की उपासना करते हैं। देवी, यह शमशान भूमि से अधिक पवित्र स्थल कोई भी नहीं है, क्योंकि यहाँ मनुष्य का अधिक आना जाना नहीं होता, इसलिए वो स्थान पवित्रतम माना गया है। देवी, वो वीरों का स्थान है, इसलिए मैंने वहाँ अपना निवास बनाया है। मृतकों की सैकड़ों खोपड़ियों से भरा हुआ भयानक स्थान भी मुझे बहुत सुंदर लगता है। दोपहर के समय, दोनों संध्याओं के समय तथा आर्द्र नक्षत्र में दीर्घ आयु की कामना रखने वाले अथवा अछूत पुरुषों को वहाँ नहीं जाना चाहिए। इसी मर्यादा है, मेरे सिवा कोई दूसरा भूत जनित भय का नाश नहीं कर सकता। इसलिए शमशान में रहकर समस्त प्रजाओं को प्रतिदिन पालन करता हूँ। मेरी आज्ञा मानकर ही भूतों के समुदाय इस जगत में किसी की हत्या नहीं कर सकते। संपूर्ण जगत के हित के लिए मैं भूतों को शमशान भूमि में समाये रखता हूँ। शमशान भूमि में रहने का सारा रहस्य मैंने तुम्हें बता दिया है, अब और क्या सुनना चाहती हो? देवी उमा ने पूछा, भगवंत, आपका रूप पिंगल विकृत और भयानक प्रतिष्ठ होता है। आपके सारे शरीर में भभूति पोती हुई है, आपकी आंखें विकराल दिखाई देती है और सिर पर जटाओं का भार लगा हुआ है। आपका रूप ऐसा भयानक, घोर और प्रतिष्ठ भाती से युक्त किस लिए है, यह मुझे बताने की कृपा करें। महादेव ने कहा, प्रिय, मैं इसका भी यथार्थ कारण बताता हूँ, तुम एकाग्रत होकर सुनो। जगत के सारे पदार्थ दो भागों में विभाजित है, शिव उष्ण अग्नि सौम्य रूप। यह संपूर्ण जगत उन शीत और उष्ण तत्वों के गुणों से सौम्य गुण की स्थिति सदा भगवान विष्णु में है और मुझ में आग्नेय तेजस गुण प्रतिष्ठित है। इस प्रकार इस विष्णु और शिव रूप के शरीर से मैं सदा समस्त लोकों की रक्षा करता हूँ। देवी, यह जो विकराल नेत्र से युक्त और शूल प्रतिष्ठ से सुशोभित भयानक आकृति वाला मेरा रूप है, यही आग्नेय है। यह संपूर्ण जगत के हित में तत्पर रहता है। यदि मैं इस रूप को त्याग कर विपरीत हो जाऊं, उसी समय संपूर्ण लोगों की दशा विपरीत हो जाएगी। देवी, इसलिए लोक हित की इच्छा से ही मैंने यह रूप धारण किया है। अपने इस रूप का यह सारा रहस्य मैंने तुमको बता दिया है। यहाँ महादेव ने एक एक गुण रहस्य से हम लोगों को अवगत कराया है कि भगवान रुद्र और भगवान विष्णु दोनों एक ही परम तत्व का हिस्सा है। एक सौम्य गुण को संजोए हुए है तो दूसरा तेजस गुण, और यह दोनों सर्वदा एक ही है। इससे सुंदर अनुभूति नहीं हो सकती कि हमारे देव हम सबके लिए सब करते हैं। महादेव की इन बातों को हमारा नमन है। तो दोस्तों, अगर इस कहानी की कोई भी बात आपको पहले से पता थी तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।